Hello everyone, this is Suraj Gurjar and we are discussing sequences. This is the last portion of sequences, monotonic and bounded sequence. Okay, its theory part I have already discussed. This part is very important. In fact, इससे questions regularly आए हुए हैं. ठीक है, and there is a set process. If we follow that, then we'll get the answer. Okay, so let us try first question. If there is this sequence x n that is equals to 1 plus 1 by n power of n, then show that limit n tends to infinity x n is e. ठीक है, ये हमें शो करना है. ठीक है, और लेट अस से कि वी हैव टू शो दैट दिस कन्वर्जेज इन फैक्ट. ठीक है, ऐसा हो सकते हैं दैट कन्वर्जेज. ठीक है, तो ये अभी इन द द द जस्ट प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस दैट इफ अ सीरीज इज मोनोटोनिक एज वेल एज बाउंडेड देन इट हैज टू कन्वर्ज. दैट वाज इफ कंडीशन. इफ अ सीरीज इज मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट देन इट हैज टू बी बाउंडेड एंड इफ अ सीरीज इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन इट हैज टू बी कन्वर्जेंट. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन वन, n is given as 1 plus 1 by power n, ठीक है, where n is of course natural number. So if we could show that this is monotonic as well as bounded, then we are done. ठीक है, तो देखो इसको इसको देखो क्या किया जा सकता है. अगर इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड किया जाए तो ये क्या होगा. देखो 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस एक्स पावर एन इज नथिंग बट 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एन सी आर एक्स पावर आर, इस टाइप चलता रहेगा. तो इसमें ऐसा करेंगे एन इंटू 1 बाई एन प्लस एन सी टू मीन्स एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 1 बाई एन का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 1 बाई एन का क्यूब एंड सो ऑन, इस टाइप चलता रहेगा. ठीक, और इसको वी कैन राइट 1 प्लस 1 और इसको देखो एन को अगर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सो दिस इज 1 1 माइनस 1 बाई एन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई एन 1 माइनस 2 बाई एन एंड सो ऑन. ठीक है, इस टाइप चलता रहेगा. इसमें जैसे 1 बाई एन फैक्टोरियल है तो ये क्या हो जाएगा. ओके, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म में या दिस एन सी जीरो, एन सी जीरो टू एन सी एन तक जाएगा. जब एन सी एन होगा एन सी एन जैसे दिस इज एन सी टू. ठीक है, तो एन सी एन में एन फैक्टोरियल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई एन 1 माइनस 2 बाई एन एंड सो ऑन 1 माइनस एन माइनस 1 बाई एन तक जाएगा. ये बिकॉज एक टर्म कम रहेगा. ठीक, अब देखो ये हमारे पास एक्स एन है तो ऑफकोर्स ये 2 से तो बड़ा ही, ये सारे टर्म तो पॉजिटिव है सो दिस इज ग्रेटर देन 2, दिस इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, एंड दिस विल बी लेस देन वॉट, एक ओके ऐसा कर सकते हैं. देखो दिस विल बी लेस देन, देखो ये जो टर्म है दिस इज लेस देन 1, 1 माइनस हो रहा है समथिंग, ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन मींस एवरी टर्म इन फैक्ट ये जो फैक्टोरियल के बाद का पार्ट लिया जाए तो दैट इज लेस देन 1. सो वी कैन से दैट 1 प्लस 1 और दिस होल पार्ट विल बी लेस देन 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही दिस विल बी लेस देन 1 बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन 1 बाई एन फैक्टोरियल, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, बस अब इसको क्या किया जा सकता है. देखो 1 प्लस 1 1 बाई 2 फैक्टोरियल को 1 बाई 2 लिख सकते हैं. 1 बाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन 3 2 दैट इज लेस देन 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो बिगर टर्म हो जाएगा सो दैट इज 1 बाई 2 स्क्वायर. ऐसे अगर 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 इंटू, सो अगर हर चीज़ को 2 से रिप्लेस कर दे तो इससे लेस होगा ये सो दिस 1 बाई 2 क्यूब मीन्स यहाँ 3 है तो यहाँ पावर 2 आ रही है. ठीक है, सो दिस विल बी लेस देन 1 बाई 2 स्क्वायर तो 1 पावर कम रहेगी 2 पावर एन माइनस 1. ठीक है, अब ये तो क्या अर्थ, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई.
ठीक है, तो इसको देखो, 2 प्लस, इसमें देखो फर्स्ट टर्म 1/2 है, सो ए 1 माइनस आर इज 1/2 जो कॉमन रेशियो है, और टोटल टर्म कितने हैं 1 से लेके n-1, तो n-1 है डिवाइड बाई 1 माइनस हाफ। ओके, सो दिस इज 2 प्लस, दिस हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/2 पावर n-1, और दिस इज ऑफ कोर्स 3 माइनस समथिंग, सो दिस इज लेस देन 3, सो व्हाट वी कैन से दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, सो वाई अबव, या ऐसा बोल दो, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1, सो वाई इक्वेशन 1, एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अब ये बाउंडेड हो गई, अभी हमें क्या चाहिए कि ये मोनोटोनिक शो करना है, ठीक है। सो मोनोटोनिक तो हम ऐसे ही शो कर सकते हैं, कैसे, देखो इसमें देखो, इसका जो इसका कोई सा भी टर्म ले लो, इसका टर्म जैसे ये फर्स्ट टर्म लिया, तो ये 1 माइनस 1/n है, दैट इज फंक्शन ऑफ n, ठीक है। अगर इसमें एफ डेस एन देखा जाए, दिस इज 1/n² दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब जो ये फंक्शन एफ एन, एन का फंक्शन है, इट विल बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगर दो इंक्रीजिंग फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल ऑल्सो भी इंक्रीजिंग बिकॉज पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका मतलब इसके जितने भी टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म जो है इंक्रीज हो रहा है, या इंक्रीजिंग फंक्शन है, एवरी टर्म इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। सो एक्स एन इज मोनोटोनिक एज एवरी टर्म इन द बाइनोमियल इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखो, लेट अस कॉल दिस इज 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स एन इज मोनोटोनिक एज वेल एज बाउंडेड, सो इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड दिस कन्वर्जेंस लिमिट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर एन इज ई, ठीक है। दिस इज ये जो लिमिट है इसको अब ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे भी किया जा सकता है, लो 1 प्लस 1/n, इसको वी कैन राइट 1/n लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इज ई पावर 1, सो दिस इज ई। ओके, आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें डाउट हो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो ये हमने देखा कि इसका जो है एवरी एवरी टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर मान लो f1 f2 ऐसे fn फंक्शन है, एवरी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो उनके सम से जो फंक्शन बनेगा वो भी इंक्रीजिंग होगा, सो इसका मतलब जो एक्स एन है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ठीक, ऐसा समझ सकते। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एन इज गिवन एज 1 प्लस दिस, ठीक है, 1/n-1 फैक्टर, ओके। सो क्वेश्चन 2 इज एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 1/n-1 फैक्टोरियल, वेर एन इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, देन वी हैव टू शो दैट दिस एक्स एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है, मोनोटोनिक कॉन्सेप्ट से इसको किया जा सकता है। जैसे अगर इसमें एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन किया जाए, तो ऑफकोर्स एक टर्म बढ़ेगा ही सही, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल सो ऑन 1/n-1 फैक्टोरियल, एन की जगह n+1 करेंगे तो एन फैक्टोरियल, माइनस इसमें क्या होगा 1/1 फैक्टोरियल सो ऑन प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल, सो दिस इज बेसिकली 1/n फैक्टोरियल विच इज ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, सो दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आई होप समझ में आता है, दिस इज दैट इज। ओके, अब हमें ये शो करना है कि ये बाउंडेड है,
बेसिकली अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इट विल बी सफिशिएंट टू शो दैट दिस इफ दिस हैज एन अपर बाउंड देन वी आर डन। ठीक है ओके ये तो बिकॉज एक्स एन है ये पॉजिटिव तो है, तो लोअर बाउंड तो वैसे भी जीरो है, मतलब जीरो वन ऑफ द लोअर बाउंड इज जीरो। ठीक है अब देखो या एक्स एन को क्या कर सकते हैं, वन प्लस वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल सो ऑन वन डिवाइड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है अब क्या क्या कर सकते हैं, दिस इज ये वही वही कर सकते हैं, जब भी फैक्टोरियल होगा देखो वन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल विल बी ऑलवेज लेस देन वन डिवाइड बाई टू पावर एन माइनस वन। ठीक है ये भी शो किया मैंने, वैसे कर सकते हो। ठीक है तो ये यूजफुल है, वन बाई टू फैक्टोरियल तो वन बाई टू ही हो गया, वन बाई थ्री फैक्टोरियल विल बी लेस देन वन बाई टू स्क्वायर। ठीक है सही, तो ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा वन प्लस वन प्लस वन बाई टू दिस इज लेस देन प्लस वन डिवाइड बाई टू स्क्वायर एंड सो ऑन वन डिवाइड टू पावर एन माइनस वन। ठीक है ये क्या आएगा टू प्लस, ये अगेन दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसका सम क्या होता है ए वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर, इफ आर इज लेस देन वन, यहाँ पे आर लेस देन वन है सो इट विल यूज दिस। तो फर्स्ट टर्म वन बाई टू है, वन माइनस आर इज वन बाई टू, टोटल टर्म कितने हैं एन माइनस वन है डिवाइड बाई वन माइनस हाफ। ठीक है सो दिस इज हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, दिस इज टू प्लस वन माइनस वन बाई टू पावर एन माइनस वन और दिस विल बी लेस देन थ्री, सो व्हाट वी कैन से दैट एक्स एन इज लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन जीरो, सो दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ओके सो दिस थ्री इज वन ऑफ द अपर बाउंड, हो सकता है इस जरूरी नहीं है कि ये जो थ्री है ये इसका सुप्रीमम हो, सुप्रीमम विल बी द लोवेस्ट अपर बाउंड। ठीक है वी हैव टू जस्ट फाइंड वन अपर बाउंड, इट मे नॉट बी सुप्रीमम। ठीक है उसी से अपना काम हो जाएगा। ठीक सो अब देखो इसमें हमने बाउंडेड भी शो कर दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीज भी शो कर दिया। ओके एज एक्स एन इज बाउंडेड एज वेल एज मोनोटोनिक या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सो इट इज कन्वर्ज, आई होप ये क्लियर है। ठीक है जो पहले तरीके डिस्कस किए हमने उनसे भी इसको किया जा सकता है, राइट फंडामेंटल डेफिनेशन कोची सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट से भी वी कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट ओके लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस एक्स एन वेर एक्स वन इज रूट फाइव, सो दैट सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाई दिस रिकर्सन फॉर्मूला कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है ये भी वन ऑफ द टाइप है। ठीक है तो देखो प्रोसेसेस में सब में वही रहेगा, ठीक है कन्वर्जेंस शो करनी है सो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस शो कर दो, वे आर डन। ठीक हमें गिवन क्या है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस एक्स एन एंड एक्स वन इज रूट फाइव, ये हमें गिवन है। ठीक है अब देखो अब इसमें क्या किया जा सकता है, एक्स वन ये है, अगर इसमें एक्स टू देखा जाए विल यूज जब रिकर्जन फॉर्मूला की बात आ गई तो विल यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है और दिस विल बी ए हैंडी टूल इन सच क्वेश्चंस। ठीक है वेर एवर देयर इज रिकर्जन फॉर्मूला देन विल गो विथ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक अब देखो एक्स टू की बात की जाए तो फाइव प्लस एक्स वन, एक्स वन क्या है रूट फाइव है। ठीक है सो दिस विल बी ऑफ कोर्स ये जो है ये लेस देन रूट टू 25 तो हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, ये 5 है ये ऑफ कोर्स रूट 5 है, रूट 5 है तो ये 20 से तो लेस ही होगा। ठीक है और वी कैन से दैट दिस विल बी लेस देन 5 और ये भी लेस देन 5 तो है रूट 5। ठीक है सो ये हो गई हमारे पास एक्स टू हो गया। नाउ जो मैथमेटिकल इंडक्शन आई विल यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, नाउ लेट एक्स एन इज लेस देन फाइव, ठीक है देन
अगर एक्स एन प्लस वन की बात की जाए, या ऐसा कर दो, ठीक है, दैट मीन्स अगर इसमें 5 ऐड कर दिया जाए दोनों तरफ, तो ये क्या आएगा, 5 प्लस 5, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और वी कैन से दैट अगर रूट, क्योंकि सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, एक्स एन प्लस फाइव विल बी लेस देन रूट 5 प्लस 5, और वी कैन से दिस विल बी लेस देन √25। भाई ये तो 10 ही है, ठीक है, दैट इज 5। तो अच्छा ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्स एन प्लस वन, तो एक्स एन प्लस वन इज लेस देन 5, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो इफ ले नाउ ले एक्स एन लेस देन बी ट्रू, ठीक है, और देन एक्स एन प्लस वन लेस देन 5 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन, पहले तो एक टर्म जैसे हमने एक्स टू देखा, तो ये बेसिकली एन इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है। देन वी एज्यूम्ड कि, लेट अस एज्यूम कि एन इक्वल्स टू एन के लिए ट्रू है, एंड वी सॉल्व कि एन प्लस वन के लिए भी ट्रू है, ठीक है। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन एक्स एन इज लेस देन 5 फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, और पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 तो होगा। सो दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, या इट इज बाउंडेड अबव, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ये मोनोटोनिक होगा, तो अगेन विल गो विद द मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू √5 + xn, एंड एक्स वन इज गिवन एज √5, ठीक है। तो यहाँ एक्स टू देखा जाए तो क्या होगा, एन की जगह 1 पुट किया, सो √5 + 5, दैट इज रूट, अच्छा दिस इज √5, सो दिस विल बी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन √5, ठीक है, और दैट इज x1। सो व्हाट वी कैन से दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, ओके। सो दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ लेट एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, ट्रू फॉर एन, ठीक है। तो अब देखो अगर दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया जाए, 5 + xn, 5 + xn - 1, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस है तो रूट लगाया जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एक्स एन प्लस वन और दिस इज एक्स एन, तो इससे वो क्या हो गया, ट्रू फॉर एन प्लस वन एज वेल, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, सो एक्स एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अब हमने शो कर दिया कि दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज बाउंडेड, एज एक्स एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज बाउंडेड अबव, सो इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है, आई होप समझ में आता है, ठीक है। सो जब भी रिकर्जन फॉर्मूले का यूज हो देन गो विद मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, उससे आसानी से हो जाएगा ये, ठीक। अब देखो हमें गिवन था एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू √5 + xn, एंड वी हैव शोन दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज कन्वर्जेंट, लेट अस से दैट इज एल से, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन भी एल ही होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इससे व्हाट वी कैन से दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी √5 + xn, और दिस इज नथिंग बट एल एंड √5 + l, और वी कैन से दिस एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 5 = 0, ठीक है। सो लिमिट ओ कन्वर्जेंस इज पॉजिटिव रूट ऑफ अबव इक्वेशन, ओके, आई होप समझ में आता, पॉजिटिव रूट बिकॉज सीक्वेंस पॉजिटिव है, दैट्स राइट, ठीक। सो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है।
Okay, let us try this question. Xn be a sequence such that x2 is less than equals to x4, is less than equals to x6, and so on, less than x5, x3, and x1. And sequence yn, where yn is given by the relationship yn equals to x2n minus 1 minus x2n converges to 0. This yn converges to 0, then show that xn is convergent. ठीक है. ओके, सो यहाँ से देखो ये समझ में आ रहा है कि एक्स टू एक्स फोर एक्स सिक्स, इसका मतलब जो इवन नंबर प्लेस टर्म्स है उनसे अगर सब सीक्वेंस बनाई जाए एक्स एन सीक्वेंस की, देन देट इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, और देट इज बाउंडेड बाय एक्स वन. ठीक है, और अगर और टर्म से बनाई जाए तो देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी एंड इट विल बी बाउंडेड बिलो बाय एक्स टू. ठीक, और हमें ये गिवन है कि वाई एन जो है वो कन्वर्जिंग टू जीरो है. Then we have to show that xn is convergent. ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इनफैक्ट मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. ठीक है, देखो वट इज गिवन इज दैट x2 इज लेस देन इक्वल्स टू x4 इज लेस देन इक्वल्स टू x6 इज लेस देन सो ऑन, x5 इज लेस देन x3 इज लेस देन x1, ये गिवन है हमें. ठीक है, अब क्या किया जा सकता है इसमें, देखो इसका मतलब तो ये हो गया, इससे व्हाट वी कैन से सब सीक्वेंस x2, x4, x6 एंड सो ऑन, एक्स लेट अस से 2m, ठीक है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव बाय x1. ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज बाउंडेड अबव बाय x1, दिस इज ऑफ कोर्स अ फाइनाइट टर्म. ऐसे ही सब सीक्वेंस x1, x3, x5 एंड सो ऑन, x2m-1. ठीक है, और टर्म्स से जो बन रही है सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाय x1 बड़ा है x3 से, बेसिकली डिक्रीज हो रही है मोनोटोनिकली टोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाय x2. ठीक है, सो बाय मोनोटोनिक एंड बाउंडेड प्रॉपर्टी वी कैन से दैट सो x2n या सीक्वेंसेस x2n एंड x2n-1 और कन्वर्जेंट. ठीक है, बट हमें शो करना है कि जो है एक्स एन कन्वर्जेंट है, हमने उसकी सबसिक्वेंसेज है ये दो उनको शो कर दिया कि दे आर कन्वर्जेंट. ठीक, अच्छा, फर्दर इट इज गिवन दैट वाई एन इज इक्वल टू x2n-x2n-. ठीक, अब ये कन्वर्जेंट है तो लेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी x2n, लेट अस से दिस इज L1 को कन्वर्ज कर रही है एंड इसके लिए लेट अस से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी x2n-1 इक्वल्स टू L2, ये L2 को कन्वर्ज कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा देखो. अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई की जाए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी yn इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी x2n-x2n-1, तो ये क्या होगा, ये तो जीरो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है कि y जो है yn जो सीक्वेंस है दैट इज कन्वर्जिंग टू जीरो, और ये L1 की तरफ जा रहा है और ये L2 की तरफ जा रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. वी हैव एज्यूम्ड दैट द कन्वर्जेंस की जो लिमिट है दैट इज L1 एंड L2, फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट L1 इक्वल्स टू L2. ठीक है, सो x2n एंड x2n-1 बोथ द सब सीक्वेंसेस converges to L. ठीक है, hence sequence xn converges to L. ठीक है, ये इसलिए बोल पाए क्योंकि हमने इसकी सब सीक्वेंस ले ली दोनों, यस इसमें सारे टर्म कवर हो जाएंगे xn के. ठीक है, एंड बोथ सब सीक्वेंसेज आर कन्वर्जिंग टू L, सो द सीक्वेंस विल ऑल्सो कन्वर्ज टू L. ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी सीक्वेंस है इफ इट इज कन्वर्जेंट टू L देन ऑल इट्स सब सीक्वेंस विल आल्सो कन्वर्ज टू L, और कन्वर्सली इफ ऑल द सब सीक्वेंसेज ऑफ
अ सीक्वेंस आर कन्वर्जिंग टू एल देन इट हैज टू कन्वर्ज टू एल एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टू एन एंड एक्स टू एन माइनस ऑल पॉसिबल सब सिक्वेंस को ले लेंगे, को कवर कर लेगी इनफैक्ट ये दोनों सब सिक्वेंसेस। अब और कोई भी सब सिक्वेंस हो इन्हीं के पार्ट होंगे। ओके, सो आई होप ये समझ में आता है। ओके, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। इफ ए एन इज इक्वल्स टू रूट ए एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ए एन माइनस टू फॉर एन ग्रेटर देन टू एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉजिटिव रियल सिक्वेंस एन इज नेचुरल नंबर देन शो दैट दिस सिक्वेंस कन्वर्जेस टू ए वन ए टू स्क्वायर पावर वन बाई थ्री। तो गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सोल्व किया जा सकता है। ये तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ए एन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन माइनस वन एंड ए एन माइनस टू। तो इसका क्या मतलब है कि ए एन विल लाई बिटवीन ए एन माइनस वन एंड ए एन माइनस टू, बिकॉज मीन जो किसी भी नंबर का मीन होता है, कोई दो नंबर का मीन है तो वो उन दोनों के बीच लाई करेगा, तभी तो मीन है वो। ठीक है, तो अब देखो अगर इसमें देखो अगर भी से लेट अस से दैट इसमें अगर एन ग्रेटर देन टू मीन्स एन को थ्री पुट कर सकते हैं तो ये क्या आएगा ए टू ए वन। ठीक है, तो अगर इसमें देखो अगर ए थ्री को ए वन ले लिया जाए, ए थ्री को अगर ए वन ले लिया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए वन इक्वल्स टू ए टू आ जाएगा, और अगर ऐसे ही ए एन निकालेंगे तो वो भी ए वन ही आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब अगर इसमें जो ए थ्री को अगर ए वन ले लिया जाए देन द सीक्वेंस ए एन विल कन्वर्स टू ए वन। ठीक, दैट इज व्हेन ए थ्री इज इक्वल्स टू ए वन। ठीक है, बट इफ ए थ्री इज नॉट इक्वल्स टू ए वन तब क्या होगा? ठीक है, या व्हेन ए वन इज नॉट इक्वल्स टू ए टू तब क्या होगा? सो देन लेट ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, ये केस ले लेते हैं। चलो, जब ए वन एंड ए टू इक्वल हैं तब तो हमने देखा कि ए थ्री है वो ए वन हो गया, तो इनफैक्ट ऐसे ही ए एन भी ए वन ही हो जाएगा। ठीक है, ए फोर भी ए थ्री और ए वन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इक्वल नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ, राइट? सो वही है। तो अब ये केस हो सकता है या फिर ए टू लेस देन ए वन हो सकता है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस केस व्हेन ए टू इज ग्रेटर देन ए वन। तो देखो ए थ्री ए है, ए थ्री मीन है, तो ये ए टू और ए वन के बीच लाया करेगा, पर ए टू तो ए वन से बड़ा है, तो यहाँ ए टू लिख दो, यहाँ ए वन लिख दो। ठीक, ऐसे अगर ए फोर लिखा जाए तो वो क्या आएगा? ए फोर इज ए थ्री ए टू, तो ए फोर ए थ्री और ए टू के बीच में लाया करेगा, तो यहाँ कहीं लाया करेगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ए फाइव लिखेंगे तो वो क्या आएगा? थ्री फोर मीन्स थ्री फोर के बीच में ए फाइव लाया करेगा। ठीक, ये हो गया ए फाइव। फिर ए सिक्स लिखेंगे तो फाइव फोर के बीच लाया करेगा ए सिक्स। फिर ए सेवन लिखेंगे, ए सेवन क्या होगा? ए सेवन जो होगा यहाँ से देखो ए सेवन क्या होगा, दैट विल बी ए सिक्स एंड ए फाइव। ठीक, तो देखो ए फाइव और ए सिक्स के बीच में लाया करेगा ए सेवन। ठीक है, तो ऐसे कर लिख सकते हैं, इस टाइप ही चलता रहेगा। सो बेसिकली क्या आएगा, और इस टाइप है इनइक्वलिटी इसमें। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि ए थ्री ए थ्री इज लेस देन ए फाइव इज लेस देन ए सेवन एंड सो ऑन, और लेस देन ए सिक्स लेस देन ए फोर लेस देन ए टू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, इक्वलिटी वाला केस तो हमने पहले ही कवर कर लिया। ओके, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि इस टाइप से देखो अगर इसमें देखा जाए तो ए थ्री ए थ्री इज बिटवीन ए टू एंड ए वन, इधर तो ए वन है। ठीक है, सो देखो ए थ्री ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन एंड सो ऑन ए टू ए माइनस वन इसका जनरल टर्म होगा। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका जो भी एंथ टर्म होगा ए टू में एम माइनस वन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका जो एंथ टर्म होगा यहाँ पे ए टू एम, और जो ये दूसरी सीक्वेंस क्या है ए टू ए फोर ए सिक्स ए एट एंड सो ऑन ए टू एम, ये बेसिकली देखो ए टू इज ग्रेटर देन ए फोर, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो ये जो सीक्वेंस है दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव
बाय ए टू, ठीक है भाई, ये इस ए टू से बाउंडेड है और ये डिक्रीजिंग है, दिस इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो बाय ए वन, ठीक। आई होप यू क्लियर है। अब देखो तो हमारे पास ये दो सबसिक्वेंस आ गई, तो अच्छा इससे व्हाट वी कैन से, हेंस एन सीक्वेंस ए टू एम एंड ए टू एम माइनस वन आर कन्वर्जेंट, ठीक है। नाउ लेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू एम या ए टू एन इज इक्वल टू एल वन एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू एम माइनस वन इज इक्वल टू एल टू, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो फॉर्म रिकर्सिव फॉर्मूला दिया है इसका वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये है, ठीक है। अच्छा देखो ये चीज हमने प्रूव की व्हेन वी एज्यूम दैट ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, सिमिलरली वी कैन शो फॉर ए टू इज लेस देन ए वन, सिमिलर प्रोसेस होगा उसमें भी, ठीक है। सो वी हैव टू एड दिस लाइन दैट सिमिलरली फॉर ए टू लेस देन ए वन वी कैन डिराइव दिस दैट द दिस कंडीशन एंड फाइनली वी कैन से दैट दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, लेट अस से एन को टू एम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी ए टू एम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रूट ए टू एम माइनस वन ए टू एम माइनस टू, ठीक है। अब देखो ये क्या है, टू एम वाली सीक्वेंस है उसकी लिमिट एल वन है एंड ये रूट ए टू एम माइनस वन की सीक्वेंस इसकी एल टू है, टू एम माइनस टू मीन्स अगेन टू एम की, सो देट इज एल वन, ठीक। अब देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एल वन स्क्वायर इज इक्वल टू एल वन एल टू, और वी कैन से दैट एल वन इक्वल टू एल टू और एल वन इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो हमारे पास आ गया एल वन इक्वल टू एल, ठीक है। सो फॉर द सीक्वेंस एक्स टू एम एंड एक्स टू एम माइनस वन कन्वर्जेस टू एल, हेंस सीक्वेंस, अच्छा यहाँ पे ए एन से डिनोट कर रहे तो ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हेंस सीक्वेंस ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, बिकॉज ये दोनों सब सीक्वेंस पूरी सीक्वेंस को कवर कर लेगी, ठीक। आई होप समझ में आता है, ठीक है। अगर कोई भी सीक्वेंस है उसकी एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू एल देन दैट सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेंस टू एल, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, अभी हमें शो करना है कि ये जो है, ये जो एल है इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये रिलेशनशिप है ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू और एन ग्रेटर देन टू है, तो अगर एन को थ्री पुट किया हमने तो यह आ गया रूट ए टू ए वन, ऐसे ही ए फोर क्या आएगा रूट ए थ्री ए टू ए फाइव रूट ए फोर ए थ्री, ए एन करेंगे अगर ए एन माइनस वन कर देते हैं तो क्या आएगा एन माइनस टू ए एन माइनस थ्री ए एन इज इक्वल्स टू रूट ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू। अब देखो अगर इन सबको मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई ऑल दीज इक्वेशंस तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये ए थ्री, ए थ्री से मल्टीप्लाई करोगे इस ए थ्री से कैंसिल हो जाएगा, इस टाइप से कैंसिल हो रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ए एन माइनस टू होगा रूट ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस फोर एंड सो, ठीक। तो देखो इसमें ये भी कैसे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, लेट अस सी, हाँ देखो यहाँ से इस टाइप से सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से हमारे पास रह गया, यहाँ हमारे पास रह गया रूट ए टू ए वन एंड रूट ए टू
और तो सब कैंसिल हो गए इधर से, और यहाँ से देखो यहाँ से एक ये रह गया रूट रूट ए एन माइनस वन, ठीक है, और इधर क्या रह गया ए एन माइनस वन ए एन, ओके। और देखो अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई कर दी जाए, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दी जाए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दी जाए दोनों तरफ से, तो ये क्या होएगा एन माइनस वन वाई एन हो, लिमिट तो सेम ही है, तो एल एल दिस इज रूट एल, दिस इज ए टू ए वन एन ए टू है तो ए टू स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया अगर स्क्वायर कर दिया जाए या ऐसे ही रहने देते, ये एल पावर हो गया टू और माइनस हाफ, टू माइनस हाफ दैट इज 3/2, दिस इज ए टू स्क्वायर ए वन पावर 1/2, और अगर एल की बात की जाए तो दिस इज ए वन ए टू स्क्वायर 1/3, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, अभी समझ में आता है, इससे गुड क्वेश्चन। अच्छा ये ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हार्मोनिक मीन पे और अर्थमेटिक मीन पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है मलिकेना रोड आगे वहाँ से यू में प्रैक्टिस, ठीक।